हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और कैसे होती है, उस सब के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। टेक्निक टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि दो इंडिविजुअल्स के डीएनए जो है उनकी सीक्वेंसिंग को मैच करने का काम करती है। टेक्निक टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल, यानी आपस में कंपेयर जिस टेक्निक के थ्रू किया जा सकता है दो इंडिविजुअल्स की डीएनए सीक्वेंसेस को, वो कौन सी टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो इंडिविजुअल्स के जो फिंगरप्रिंट है, प्रिंट्स है, वो कभी भी बहुत कम चांसेस में जो है वो सेम हो सकते हैं, एक्सेप्ट के वो क्या हो, आइडेंटिकल ट्विंस हो। अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तभी जाकर उनके फिंगरप्रिंट्स में सिमिलैरिटीज हो सकती है, लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो कोई भी दो जनों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम नहीं हो सकती। इसी तरह से दो जनों के डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो भी सेम नहीं हो सकता। चांसेस आर वेरी लेस दैट टू इंडिविजुअल्स वुड हैव एग्जैक्टली सेम डीएनए सीक्वेंसेस। चांसेस बहुत कम है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है, डेवलप्ड बाय एलेक जेफ्रे, जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था इस मेथड को, उसका नेम क्या था, एलेक जेफ्रे। ठीक है, यूजफुल इन फंक्शंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, फाइंडिंग अ डिजीज कॉजिंग एजेंट। बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं उनको फाइंड आउट करना कि वो किस जीन की वजह से डेवलप हो रही है, वो किसके थ्रू इजी हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फाइंडिंग क्रिमिनल्स, अगर हमें, अभी अपन आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर हमें कहीं भी किसी के डीएनए का पार्ट मिला है जो कि क्रिमिनल है और हम उसे सस्पेक्ट से कंपेयर करना चाहते हैं तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि क्रिमिनल कौन है, तो ये क्रिमिनल को फाइंड करने में भी काम में आती है टेक्निक। रिलेशनशिप अमंग पीपल, अगर कभी डिस्प्यूट हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट, उसकी वजह से डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन किस बेबी का फादर है या कौन किस फादर का बेबी है, तो ये आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के भी काम आती है। बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब किस बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है हमें वो पढ़ना है। सीक्वेंसेस विच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब बेसिकली मतलब बेसिस कौन बनाता है इसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, वो डीएनए के सेगमेंट्स जो नॉन कोडिंग होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि डीएनए के अंदर टू टाइप की सीक्वेंस होती है, कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है सिर्फ वो ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करता है। अपन जैसे कि एक डीएनए बनाते हैं, ये किसी की डीएनए सीक्वेंस है, इसमें ये वाला पार्ट क्या है, कोडिंग पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, कोडिंग पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, कोडिंग पार्ट है। और ये वाला पार्ट क्या है, कोडिंग पार्ट है। तो ये सारा कोडिंग पार्ट है और इसके अलावा ये जो बीच में गैप है ये कौन सा पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये कोडिंग पार्ट है ये नॉन कोडिंग लिख लेते हैं अपन, या फिर कोडिंग सीक्वेंस है और ये क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये क्या है, नॉन कोडिंग। ये क्या है, कोडिंग। अगर हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स के डीएनए की स्टडी करें तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में जो डीएनए होता है उसमें जो कोडिंग पार्ट होता है वो सब में कैसा होता है, सेम होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है सबके डीएनए सीक्वेंस में, नॉन कोडिंग पार्ट पे। तो जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है सिर्फ उसी से किसी के भी डीएनए सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम एक बार और। बेबी का डीएनए है, ये उसी के फादर का डीएनए है और ये किसी स्ट्रेंजर का डीएनए है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि सभी के
सभी इंडिविजुअल्स के डीएनए में जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं वो सेम होती है। तो ये कोडिंग पार्ट, ये कोडिंग पार्ट और ये कोडिंग पार्ट, ये कोडिंग पार्ट, ये कोडिंग पार्ट, ये कोडिंग पार्ट। ये सारा क्या है? कोडिंग पार्ट है सभी का। तीनों डीएनए में, ये तीनों डीएनए में कोडिंग पार्ट जो क्या है सेम है, लेकिन अगर अपन इसी के कंपैरेटिवली नॉन कोडिंग पार्ट का को देखें तो क्या होगा? ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ये बेबी है, ये फादर है, तो इन दोनों में जो नॉन कोडिंग पार्ट होगा वो सेम होगा, लेकिन इसी की कंपैरेटिवली अगर हम किसी स्ट्रेंजर की बात करें तो उसका नॉन कोडिंग पार्ट में डिफरेंस होगा। तो कैसे पता लगाएंगे हम कि ये इस बेबी का फादर ये है? क्योंकि इनके नॉन कोडिंग पार्ट क्या है? सेम। और इसका नॉन कोडिंग पार्ट क्या है? डिफरेंट। इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पता लगाया जाता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो किन दो इंडिविजुअल्स में हैं। डीएनए के जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसमें कुछ टेंडम रिपीट्स होते हैं, जैसे कि ए जी टी ए, ए जी टी ए, ए जी टी ए, ये सेम जो न्यूक्लियोटाइड बेस है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? टेंडम रिपीट। ये जो टेंडम रिपीट है इनके लिए एक और वर्ड आता है, VNTR। VNTR क्या है? वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ये VNTR का फुल फॉर्म है। ये VNTR क्या होते हैं? लॉन्ग लॉन्ग सेगमेंट्स होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। यानी अगर अपन डीएनए को ब्रेक करें, ब्रेक किससे करेंगे? मैंने आपको कल भी बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो अगर हम ब्रेक करें तो ब्रेक करने पर जो सेगमेंट्स हमें ऑब्टेन होंगे वो सेगमेंट्स अगर लॉन्ग हैं साइज में तो उन्हें क्या कहेंगे? और उनके अंदर ये ऐसी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए जो बार बार टेंडमली रिपीट हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? VNTR। लेकिन एक और वर्ड आता है, वो होता है STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट। शॉर्ट टेंडम रिपीट और वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट में सिर्फ एक ही डिफरेंस मेजर है कि जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट है उनके जो सेगमेंट्स है या उनकी जो सीक्वेंस है वो लॉन्ग होती है साइज में, और कंपैरेटिवली शॉर्ट जो टेंडम रिपीट है उनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या है? STRs और ये क्या है? VNTRs। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? तो ज्यादातर फिंगरप्रिंटिंग में STRs का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? डीएनए सैंपल आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। यानी जैसे अपने कल भी टेक्निक में देखा था, किसमें? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की टेक्निक में, कि डीएनए को सबसे पहले, हमें अगर डीएनए पे वर्क करना है तो हमें सबसे पहले डीएनए को सेल से बाहर निकालना होता है। तो सबसे पहले डीएनए को क्या किया हमने? आइसोलेट। डीएनए को पीसीआर टेक्निक के थ्रू, जो कि अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में, सिर्फ हमें अभी इतना ध्यान रखना है कि पीसीआर जो टेक्निक है वो भी डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में
ब्रेक करने के काम में आती है। तो पीसीआर के थ्रू हमने डीएनए को ब्रेक किया और एसटीआर छोटे छोटे डीएनए के जो सेगमेंट्स थे, जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स थे, उनको हमने आइसोलेट कर लिया। STRs are separated through electrophoresis. अब electrophoresis ऐसी टेक्निक है जिसमें डीएनए को इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टेक्ट में रखा जाता है जिससे कि हम STRs को सेपरेट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? डीएनए सैंपल आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। डीएनए सैंपल को हमने आइसोलेट कर लिया है, फिर हमने एसटीआर को पीसीआर के थ्रू सेगमेंट्स में, यानी एसटीआर का फॉर्मेशन कर लिया है किसके थ्रू? पीसीआर के थ्रू। एसटीआर आर सेपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम क्या करते हैं, एक डीएनए जो है उसको, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया जाता है और फिर उसको एक जेल से, डीएनए को एक जेल से ट्रीट करवाकर इलेक्ट्रोफोरोसिस कराया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हैवियर एसटीआर है, यानी जो बड़ा सेगमेंट है एसटीआर का, वो तो स्लोअर मूव करेगा और जो लाइटर है वो ज्यादा दूर तक मूव करेगा। इलेक्ट्रोफोरोसिस में ये वाला पोर्शन हमेशा ही पूरा नेगेटिव चार्ज होता है और ये पूरा नीचे वाला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेगमेंट्स है, जो हैवियर सेगमेंट है वो स्लो मूव करते हैं, जो लाइटर सेगमेंट्स है वो फास्ट मूव करते हैं, इसलिए वो हिट आगे तक मूव कर जाते हैं। अब हम अगर कंपेयर करना चाहें तो हमने ये लिया है किसी बेबी का डीएनए, ये उसके फादर का डीएनए और ये किसी स्ट्रेंजर का डीएनए। यानी ये मान लो अभी हमें फादर पता नहीं है, हमने कोई दो इंडिविजुअल का डीएनए लिया है और एक बेबी का डीएनए लिया है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो बेबी है इन दोनों में से किसका है। तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोफोरोसिस कराएंगे यही सारे मेथड से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। और जब इलेक्ट्रोफोरोसिस का रिजल्ट आएगा तो बेबी का जो रिजल्ट है फादर का रिजल्ट उससे सिमिलर होगा, लेकिन जो स्ट्रेंजर है उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। तो इस टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से बेबी का फादर कौन है। तो जब हमारे पास सैंपल हो तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हम एक केस स्टडी करेंगे, कि क्रिमिनल्स को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि कहीं हमें पता चला किसी की डेथ हुई है और वहां से एक ब्लड सैंपल हमें ऑब्टेन हुआ है, जिस ब्लड सैंपल का अगर हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई तो उसका ऐसा है। ऐसा उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इमेज आएगा।
फिर हमने इसी के जिसकी डेथ हुई है उसी के फादर के सैंपल्स लिए हैं, और एक और जो सस्पेक्ट है उसके हमने सैंपल लिए हैं। तो हमने इस ब्लड की सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तो ये उसके रिजल्ट्स आए हैं, और नेक्स्ट जब हमने फादर की तो उसमें क्या होगा, जब हमने फादर और स्ट्रेंजर की तो फादर की आएगी ये ऐसी, और जो हमने सस्पेक्ट लिया है ये ब्लड सैंपल हमें जो क्राइम साइट थी उससे मिला था, तो हमने उसे कलेक्ट किया और उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब की तो ये हमें ऑब्टेन हुआ। जब हमने सस्पेक्ट के तौर पर एक एक इंडिविजुअल का और हमने सैंपल लिया और एक हमने जो जिसका मर्डर हुआ था उसके फादर का लिया, तो जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई तो जो ब्लड सैंपल मिला है उसका मैच किससे हुआ, जो एक और सस्पेक्ट लिया था उससे, तो क्रिमिनल कौन निकला, ये सस्पेक्ट। तो इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किसमें कर सकते हैं, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने में, या फिर हम किसमें कर सकते हैं, कभी कोई डिजीज हमें फाइंड आउट करनी है, डिजीज कॉजिंग एजेंट फाइंड आउट करना है, या फिर हमें क्या करना है कि रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना है कि किसमें रिलेशनशिप्स आपस में है और किसमें नहीं है, जब भी फैमिली डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसमें ये चीज काम आती है। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है और ये उसका सारा मेथड होता है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।